आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे उल्हासनगर में जो एक सोशल नेटवर्किंग ग्रुप चल रहा है, जिनकी वजह से आज काफ़ी सारे अच्छे काम हो रहे हैं, जिसमें टोटल सब मेंबर जो है उसका सही उपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर देखा जाए तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का दुरुपयोग ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर जो सिंधी समाज जागरूक है उनका पूरा एकदम सही तरीके से उपयोग जो कर रहे हैं। एक कन्या जो किसी बाहर गाँव से आके यहाँ पर मिसिंग होके थी, आज उनको ढूंढ के निकालने के लिए हमारे भाई साहब सत्येंद्रपुरी साहब, इन्होंने ग्रुप में वो पूरा डाले और उसके बाद में इनके ग्रुप में वो न्यूज़ डालने के बाद में भाई साहब इनके यहाँ पे वो लड़की का मिलना और इन्होंने टाइम पे उनके भाइयों को इन्फॉर्म करना, जो इन्होंने सराहनीय काम किया है उसके लिए मैं सभी की तरफ से और हमारे पूरे सिंधी समाज की तरफ से इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी से एक ही विनती है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का मेहरबानी करके सदुपयोग करें, समाज के भले के लिए करें, उसका किसी भी तरीके से दुरुपयोग ना करें। ये हमारे चंद्रेश भाई हैं, ये उल्हासनगर से काफ़ी दूर रहते हैं किसी एक छोटे से शहर में। इनके घर के किसी मामूली मनमुटाव को लेकर इनकी बहन घर से नाराज़ होकर उल्हासनगर आके रह रही थी पिछले डेढ़ महीने से, जिनको ढूंढते ढूंढते चंद्रेश भाई खुद डेढ़ महीने से यहाँ पे हैं उल्हासनगर में, लेकिन उनको कोई पता नहीं चल पा रहा था कि उनकी बहन कहाँ है। ऐसे में भटकते भटकते कल ये साईं वसंत शाह दरबार पहुँचे, जहाँ इनकी मुलाकात साईं कालीराम जी से हुई। उन्होंने इनको हमारे तरफ भेजा क्योंकि उनको पता है कि हम जो फाउंडेशन चलाते हैं हेल्पिंग एंड फाउंडेशन, उसमें इस तरह के ही काम किए जाते हैं। तो चंद्रेश भाई के साथ बैठ के हम लोग ने काफ़ी डिस्कशन की, लेकिन जैसे कि कोई ना पुलिस कंप्लेंट दाखिल थी ना क्या, तो कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था। तो उसके बाद हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग के जो मीडिया की जो सोशल व्हाट्सएप की ग्रुप्स हैं उस पर ये न्यूज़ वायरल की जाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि कल जब वो लड़की जिसको उनके भाई साहब डेढ़ महीने से ढूंढ रहे हैं, कल जब वो उपवास का खाना खाने हमारे शहर के मशहूर हरदासमल होटल में गई, तो वहाँ के मालिक हमारे विजू जी, उन्होंने उसे उस फोटो के ज़रिए पहचान लिया जो कि सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था, और उन्होंने तुरंत चंद्रेश जी को फ़ोन करके इतला की कि आपकी बहन हमारे यहाँ पर खाना खाने आई है। तो इस तरह से चंद्रेश जी को उनकी बहन जो कि डेढ़ महीने से उनसे दूर थी वो मिल गई, और ये इनका विजू भाई का हम लोग ने सत्कार समारोह खास इसलिए रखा हुआ है ताकि लोगों को पता चले कि सोशल मीडिया का सिर्फ दुरुपयोग आज तक किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं हमारे शहर में जिन्होंने इसका सदुपयोग किया है, और ऐसा सदुपयोग किया है कि नवरात्रि के दिनों में एक घर से नाराज़ होकर निकली हुई लड़की को वापस उनके घर के सुपुर्द किया गया है। तो मैं समझता हूँ नवरात्रि के टाइम पर इससे बड़ी देन विजू भाई इनको नहीं दे सकते थे। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास।